पाक को पटखनी देते ही चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे बदला दोनों टीमों का समीकरण। रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे और सबसे बड़े महामुकाबले में भारत पाकिस्तान की चिर प्रतिद्वंदी टीमें आमने सामने थी। बर्मिंघम के एज बेस्टन स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले में भारत ने 124 रनों के बड़े अंतर से पाकिस्तान को राउंड डाला और चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार आगाज किया। भारत की दावेदारी हुई मजबूत। टीम इंडिया के जीते ही अब उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह और आसान हो गई, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया को अपने अगले दो मुकाबले श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने हैं। ऐसी सूरत में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक मुकाबले में ही जीत दर्ज करनी है। श्रीलंका की टीम वैसे ही काफी बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुँचने में शायद ही कोई दिक्कत आएगी। 124 रनों की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई। पाकिस्तान को अपने अगले दो मैच मजबूत दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका टीमों के खिलाफ खेलने हैं, लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के मौसम को देखते हुए अगर एक मैच भी बारिश से धुल गया तो सेमीफाइनल में पहुँचने की उसकी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.